देखिए कैसे शहनाज ने दिलवाई राखी को इज्जत। जी हाँ, कुछ ऐसा हुआ जिस पर हमने बहुत समय के बाद गौर किया, लेकिन हमें ऐसा एहसास हुआ कि सिर्फ शहनाज कौर गिल ही ऐसा कर सकती हैं। वेल, अगर आप शहनाज के फैन हैं तो आप ये अच्छे से जानते होंगे कि बिग बॉस में आने से पहले शहनाज के साथ कैसा बर्ताव होता था। शहनाज को कोई काम देने को तैयार नहीं था, उल्टा पंजाब के लोग शहनाज को पंजाब की राखी सावंत तक कहते थे। जी हाँ, कुछ लोग थे जो शहनाज को पंजाब की कटरीना कैफ नहीं बल्कि राखी सावंत कहते थे। लेकिन आप लोगों ने गौर किया हो तो शहनाज ने अपने काम से न केवल उन सभी लोगों का मुंह बंद किया बल्कि ये भी बता दिया कि राखी सावंत भी अपने आप में छोटा मोटा नाम नहीं है। बिग बॉस के घर में जब लोग राखी सावंत को बेइज्जत करते थे, उसी राखी सावंत को शहनाज ने इज्जत दिलाई। शहनाज बिग बॉस सीजन 15 के फिनाले के दौरान मंच पर आई थी। शहनाज और यशराज मुखाते का गाना सच अ बोरिंग डे, जिस पर सलमान और शहनाज को परफॉर्म करना था, उस वक्त शहनाज ने राखी सावंत को परफॉर्म करने के लिए भी बुलवा लिया। शहनाज ने राखी को बुलाते हुए कहा कि आओ ना राखी, फिर तीनों ने साथ में जमकर डांस किया। जी हाँ, जिस नाम ने राखी को बदनाम किया था वो शहनाज ने उस नाम के भी कदर की और उसको सम्मान दिलाया। बिग बॉस में शहनाज कहती थी ना, जिसकी पूरी दुनिया नहीं होती और जिससे पूरी दुनिया मुंह मोड़ लेती है, शहनाज कौर गिल उसी की होती है।